तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RGPP ने जो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का है एग्जामिनेशन फॉर्म और साथ ही साथ उसका टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया है। बी फार्मा का भी रिलीज़ हो चुका है, एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिलीज़ हो चुका है, एम फार्मा का भी ऑलमोस्ट रिलीज़ हो चुका है। तो सबसे पहले आती है बात कि जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो एग्जामिनेशन में बहुत सारे टाइम टेबल थे, आई होप उन टाइम टेबल को आपने सही तरीके से समझ लिया होगा। एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में ही होने वाले हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट का टाइमिंग अलग अलग होगा। जैसे CS ब्रांच का टाइमिंग अलग होगा, मैकेनिकल ब्रांच का टाइमिंग अलग होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का अलग और सिविल ब्रांच का अलग। इन सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइमिंग होगा। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, आपके जो भी कॉलेजेस हैं उसमें सारे ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो RGPP का टेलीग्राम लिंक है आप उसे ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी प्रोसेस वहाँ पर अपडेट दी जाती है, किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, तो उसका समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत से स्टूडेंट परेशान होंगे कि आखिर एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे बीटेक। तो एग्जामिनेशन सिंपली MCQ टाइप क्वेश्चन होता है उसमें, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट में। तो आपको बस टिक आउट करना होता है, तो आप उसे टिक आउट कर सकते हैं। और अभी प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन जो है 22 से 28 फरवरी के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डेट को हो सकता है, लेकिन 22 से 28 के बीच में सारे कॉलेजेस में कंडक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड रहिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है जो उसमें लिंक आएगा वो ग्रुप में ही आएगा, और वहाँ से आपको जूम के थ्रू जुड़ना होगा, तो वहाँ पर आप जाके जुड़िएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने एनरोलमेंट करा लिया है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप फिल कीजिएगा उस चीज़ को। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट सर्विस पे क्लिक कीजिएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म पे आप जाइएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट लास्ट डेट 20 फरवरी है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सर्च पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये सारी इंटरफेस खुल जाएगी। और यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एग्जाम फॉर्म स्टेटस नॉट फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूशन, यानी अभी तक बहुत सारे कॉलेजेस ने अभी तक फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया है। तो फॉर्म फॉरवर्ड आपको आई होप मंडे, यानी आज मंडे है, तो आज आई होप फॉर्म फॉरवर्ड हो सकता है, तो आप आसानी से शाम से मतलब फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म फॉरवर्ड उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने अपना ओरिजिनल माइग्रेशन और TC सबमिट किया होगा कॉलेज में। तो सबसे पहले आप कॉलेज से कंसल्ट कीजिए कि आपने वहां पे सबमिट किया है कि नहीं, क्योंकि वो काफी जरूरी होता है, और उसके बिना आप एग्जामिनेशन में बैठ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कॉलेज के ग्रुप में आप जुड़े रहिए और सारी चीज़ों को सही तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।